हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया श्री राव। आज मैं आप लोगों को बिस्किट के ब्राउनी बनाना सिखाऊंगी। इसको वुड लॉक्स भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मारीगोल्ड बिस्किट। आप कोई भी कंपनी का मारीगोल्ड बिस्किट ले सकते हैं। हमें चाहिए ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर एंड ऑल्सो उसके साथ हमको चाहिए थोड़ा सा कोको पाउडर। बहुत थोड़ा सा चाहिए। अगर आपके पास ड्रिंकिंग चॉकलेट ना हो तो आप इसकी जगह नॉर्मल चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। पाउडर्ड शुगर हम देंगे यहाँ पे एंड पानी लेंगे हम यहाँ पे, और एक पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर आप ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। नहीं है तो आप इसको किसी पॉलीथीन रैप में भी रैप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने देसी घी लिया है जिसको क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पानी जो हमने लिया है उस बॉल के अंदर हम थोड़ा सा कोको पाउडर डालेंगे। इसको बिल्कुल जरा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर मैं हाफ चम्मच के करीब जो है कोको पाउडर ले रही हूँ। इसको हम पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे एंड उसी के साथ इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर। ये टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब अपने आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालिए। हमारे घर में थोड़ा लिमिटेड सा ही खाते हैं तो मैंने इसके अंदर हाफ जो है चम्मच इसके अंदर शुगर डाली है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम सारे जो हमारे बिस्किट्स है इसके अंदर डिप कर करके एक रोल बना लेंगे। लाइक बिस्किट के ऊपर बिस्किट रखना है, जैसे कि मैं वीडियो के अंदर आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर ज़्यादा देर तक बिस्किट्स को रखना नहीं है, बस सिंपल इसके अंदर डालना है एंड आपको निकाल लेना है। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सारे बिस्किट्स को ऐसे कर लेंगे। आपको जितना मन है उतना बनाइए। अगर आप बनाकर देखना चाहते हैं तो भी आप एक रोल से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट्स को कर लिया है और आपको ऐसे ही वन के ऊपर वन जो है प्लेस कर देना है बिस्किट्स को, जो ये गीले बिस्किट्स है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है। बहुत इजी है इसको बनाना, घर पर बनाइए आप। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम जो क्लैरिफाइड बटर था, जो हमारा देसी घी था, हम वो लेंगे। उसके अंदर हम थोड़ा सा ड्रिंकिंग चॉकलेट मिलाएंगे। मैंने आपको बताया है उसका ऑल्टरनेट आप नॉर्मल चॉकलेट ले सकते हैं, लाइक डेरी मिल्क या कोई भी डार्क चॉकलेट आप उसको मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं हाफ जो है एक चम्मच और उसका थोड़ा सा हाफ चम्मच, यानी आप मेजरमेंट देख सकते हो, इतना ही मैंने ड्रिंकिंग चॉकलेट लिया है। उसी के साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा कोको पाउडर भी डाल दूँगी एंड इसके साथ ही मैं पाउडर शुगर भी डाल दूंगी। कोको पाउडर मैं थोड़ा दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन मैं बाद में उसको ऐड करूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम लोग अच्छे से एंड आप देखेंगे कि जो घी है आपका, यानी जो क्लैरिफाइड बटर है वो आपका जमा हुआ होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, शुगर की बात फिर आएगी। तो जितना आपको मीठा पसंद है आप उतना इसके अंदर डाल सकते हैं एंड इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड मिक्स करने के बाद जो ये हमारा मिक्सचर है इसको हम बिस्किट के चारों तरफ लगाएंगे। वो बहुत आप हाथ से भी लगा सकते हैं या फिर आप स्पैचुला की मदद से भी लगा सकते हैं। आपको जैसे इजी लगता है वैसे आप कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो घी है वो आपका जमा हुआ होना चाहिए, तभी ये मिक्सचर जो है वो चिपकेगा बिस्किट के ऊपर। अब मैं धीरे धीरे करके पूरा जो है ये मिक्सचर ये बिस्किट्स के ऊपर प्लेस कर दूंगी। आप इसको हाथ से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कठिनाई महसूस हो रही है स्पैचुला से। तो धीरे धीरे करके हम इसको पूरा लगा देंगे। और फिर डायरेक्टली जब ये पूरा इसके ऊपर लग जाएगा, पूरा जो मिक्सचर है बिस्किट पर लग जाएगा, कोट हो जाएगा अच्छे से, तो उसके बाद हम इसे पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर या अगर आपके पास नहीं है तो इसको पॉलीथीन के अंदर भी रैप कर सकते हैं। तो इसको मैं स्लांट में रखूँगी, आप देख सकते हैं वर्टिकल पोजिशन के अंदर रखेंगे हम इसको, सॉरी हॉरिजॉन्टल पोजिशन के अंदर रखेंगे हम इसको। और नीचे वाली जो साइड है उसके ऊपर भी हम ये मिक्सचर को अच्छे से प्लेस कर देंगे। अब मैं इसको रोल करूंगी, आप थोड़ा टेढ़ा कर लीजिएगा इसको, जैसे भी जिस भी तरीके का आपका पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर है। तो इसको इसके अंदर रोल करेंगे एंड थोड़ी देर के लिए हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे। जितनी देर में भी आपका रेफ्रिजरेट इसको जमा देगा उतना देर आप रखिए। किसी का फ्रिज तेज चलता है, किसी का स्लो, तो ये आपके फ्रिज पर डिपेंड करता है, आपके रेफ्रिजरेटर पर डिपेंड करता है। तो इसको हम जो है फ्रीज़र के अंदर रखेंगे, ध्यान रखिएगा फ्रीज़र के अंदर रखेंगे। मैंने यहाँ पर 30 मिनट्स रखा है एंड 30 मिनट्स के बाद हम इसको निकालेंगे। तो चलिए इसको फटाफट से फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं।
तो यहाँ पर मैं फ्रीजर के अंदर इसको रख रही हूँ। 30 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे एंड फिर देखेंगे कि हमारा जो वुडलॉक है या फिर हमारी जो ब्राउनी है वो कैसी दिख रही है। ओके, ये काफ़ी अच्छे से जम गई है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको कट करेंगे। ध्यान रखिए इसको स्लांट में कट करना है वरना सारे बिस्किट्स निकल जाएंगे आपके। तो चलिए इसको कट करते हैं, देखते हैं कि कैसी ये दिख रही है। जैसे मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ आपको ऐसे ही कट करना है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, एकदम सॉफ्ट, एंड ये धीरे धीरे करके आप कट कर सकते हैं एंड ऑल्सो सर्व कर सकते हैं इसको चाय के साथ, स्नैक्स के साथ, जैसा भी आपका मन करे। अगर आपको मीठा खाने का मन है तो आप जल्दी इस लॉकडाउन के अंदर इसको बनाइए, अपने रिव्यूज मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद। बाय बाय।